पैसों से पैसों तो मिला नहीं, उसके दुनिया तो मिला। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ब्लॉग, और अभी मैं यहाँ लटानी मोड़ में हूँ। लटानी मोड़ से थोड़ा आगे हूँ, अब मुझे जाना है अभी हलकट्टा दोस्त से मिलना है। देखते हैं दोस्त है कि नहीं, वो भी नहीं पता मेरे को। तो अभी हम और रोहित अभी आए हैं, तो फिलहाल अभी नाश्ता किए कचौड़ी, और अभी जाएंगे मेरे दोस्त के मिलने। चलिए अभी मिलते हैं मेरे दोस्त के साथ। तो अभी गाइज पहुँच चुके हैं दोस्त का घर, अभी उसको कॉल लगाते हैं, घर में है कि बाहर में है। जा रहा है देखिए गाइस, तो हम यहाँ आए थे इससे मिलने, लेकिन ये जा रहा है अभी कहाँ? दीदी घर। दीदी घर जा रहा है। हेलो सभी को, पढ़ दूँ घर है ना? क्या बात है, इतना सैड सॉन्ग सुन रहा है। गर्लफ्रेंड दो क्या भैया? कोई हर्ज नहीं, चलो ना। दुकान में पिएगा? चाय पिएगा ना? पैसों से पैसों तो मिले नहीं, उसके दुनिया तो मिला। लेकिन बहुत अच्छा बना। तुम आया है कम से कम, देख तो लिए, बस सुकून मिल गया, लाइव है। मिल लिया, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन से मिले नहीं थे दोस्त सबसे। 8 क्लास से हम लोग साथ में पढ़े हैं, तो बहुत अच्छा दोस्ती हो गया सबसे। भाई जी हम लोग गाँव का पुलिस स्टेशन है, गांव का ब्लॉक है जो बस बगल में 1 किलोमीटर के अंदर हमारा पुलिस स्टेशन ब्लॉक। मस्त आ रहा है एकदम, छोटा छोटा भी है, पूरा इधर भी रोपा गया है, उधर भी। वो हम लोग का खेत शायद रोपाया नहीं है, रोपा गया है वो हम लोग का खेत है। और इधर इधर भी एक हम लोग रखते थे, वो वहाँ बाबा ब्लॉग करने के लिए मना करें, इसको पीटना पड़ेगा। मेरा सब्सक्राइबर जितना है ना उसको पीटी है, 200 आदमी है ना, 200 पीटी है। किसका नाम है तू ये बता, बनियान में क्यों घूम रहा है? इसको बनियान ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? गंजी। अच्छा वाह, सब गंजी सबको बोलते हैं, इसको भी गंजी बोलते हैं। हाफ टी शर्ट बनियान बनियान। तो अभी गए भैया को लेने जा रहे पथुरिया, वो पथुरिया में मैंने बोला था वहीं रुक जाओ, बिकॉज मेरे को कुछ सामान लेना है। तो अभी यहाँ पे रुके हैं ब्लॉग शूट करने के लिए, बाइक चलाते चलाते ब्लॉग शूट करना अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए मैंने रुक के थोड़ा ब्लॉग शूट कर लिया। और अभी थोड़ी देर में पथुरिया है, बस वहाँ जाएंगे उसको लेंगे फिर घर जाएंगे। भैया को लेके आ गए, भैया अभी चाट खिला रहे हैं। खिला देंगे, पैसा यही देगा? ना ना, ऐसा थोड़ा ना होता है। बात बर्गर का हुआ था, ठीक है, बात बर्गर का हुआ था, तो बर्गर नहीं खिलाया भैया, अभी चाट खिला रहे हैं। कॉम्पिटिशन चल रहा है स्कूल का, दिख रहा होगा,
कुछ खेल प्रतियोगिता ने क्या बोलते उसको दौड़ प्रतियोगिता हाँ दौड़ प्रतियोगिता क्या बोलते उसको हिंदी में अच्छा चाहता है भैया तो मस्त चाट बना रहे हैं कर कहाँ भैया खुशबू पूजा वो लोग भी है मेरी सिस्टर है वो लोग भी वहाँ रेस कर रही है देखते हैं कौन जीतता है जो मैं भैया का ब्लॉग बना रहा हूँ स्कूल में मैं आया था स्कूल तो इन लोग भी यहाँ पे घूमने के लिए आए थे अकेले अकेले चाट खाया जा रहा है यहाँ पे भैया अभी रेस करेगा इसलिए नहीं दिया है टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो मैं चलता हूँ रेस यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है सब लोग जीत के आना एकदम सब बस थैंक यू तो ये मैं भैया को लेके आने के बाद ही मैं तुरंत नहाने चला गया था बिकॉज मैं सुबह से नहाया नहीं था धूप ज़्यादा हो रहा था नहा लिया अभी मम्मी खाना लगा रही है तो खाना खाएंगे साथ में एक राज की बात बताते भैया मीठा नहीं लाए मीठा कैसे लाए क्यों नहीं लाए मैं हूँ छोटा भाई मीठा इसलिए नहीं लाए क्योंकि सोचे कि खाएगा खाना इसके लिए अच्छा नहीं है हाँ। जान चुके हैं कि मीठा सबसे ज्यादा इसको नहीं खाना चाहिए इसकी मिठाई हमको लाते लाते नहीं लाए एक तो बात ही किसी डॉक्टर ने मुझे नहीं कहा कि मीठा नहीं खाना चाहिए ये मेरे अंदर से फीलिंग आया क्या बात है कि जीते जी मार देगा कुछ खाने नहीं देगा ये मम्मी खाना लगा रही है तो खाना खाएंगे भूख दे रहा है कितना देख रहे हैं बाप रे तो अभी गाइस लंच तो हो गया है तो फिलहाल अभी थोड़ा बहुत एडिटिंग करेंगे और सोएंगे क्योंकि नींद लग रहा बहुत तो गाइस गांव में एक यही दिक्कत है कि करंट रहेगा नहीं पूरा दिन जाता आता रहेगा मतलब सोने नहीं देगा ढंग से खाना खा के सोचे थे कि थोड़ा सोएंगे तो करंट भाग गया तो कब आएगा पता नहीं तो थोड़ा बाहर जाते हैं घूमने के लिए बाहर नहीं थोड़ा बाहर जाएंगे हवा खाएंगे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो अभी गाइस यहाँ पे चावल लेने आए थे कोटा पे बस चावल लेंगे मम्मी भी आई है मम्मी अंदर है अभी छोटा दादी से बात कर रही है रोहित हुआ चल लिया ये रहा चावल 20 kg माँ से अकेले अकेले तो ये तो बैठ गया खाने के लिए इसको पैसा निकल रहा है सो गाइस अभी मैं आया था इधर तो ये लोग गेम खेल रहा है बैठ के आराम से बाहर में रूम खेल रहा है अजीब बात है रूम में रूम खेलो सो नहीं बाहर में रूम खेल रहा है ये भी लग गया गप्पू इसको हराने दो पहले लोग को तो गाइस मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड आई होप ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक कर देना चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए बाय मिलते हैं गाइस जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm I hope ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा प्लग Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings